प्लेन ऑर्डिनरी अगर हिम्मत है तो आ जाओ जॉर्ज स्कूल में। आ जा जॉर्ज स्कूल में। आ जाना। अच्छा अस्सलाम वालेकुम आखा फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग फिट फार मोटे सारे चंगे भले होंगे। वेलकम टू मारखोर गेमिंग चैनल दोस्तों। दोस्तों सीन ये है कि आप लोगों को पता ही है कि भाई ब्लड प्रेशर तो ओपन हो गया ऑल पे, जब कोई चैलेंज कर दे तो बड़ा मज़ा आता है। बेसिकली मैं पहले चुप करके सुन रहा था, लेकिन भाई बंदे तो भाई फुल टाइम मस्ती के अंदर और चस्ती के अंदर। स्क्वाड्स आपने देख लिया आगे पीछे दाएं बाएं कितने उतर गए हैं। तो मैं भी बोलता हूँ यार बस चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाए, और मेरी कोशिश यही होती है कि इसका प्लेन में सबसे पहले तो उसको खोला जाए। तो आगे पीछे बंदे उतर गए हैं मेरे, फुल टाइम आगे पीछे बंदे उतर गए हैं, और ये गेम प्ले बहुत ही तबाही होने वाला है। इंटेंस फाइट सोलो वर्सेस स्क्वाड है गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलेंगी, इंजॉय करेंगे आप। पॉपकॉर्न लेके पेप्सी लेके साइड और लेफ्ट में आगे पीछे बैठ जाएं। तो गाइस देखें मैं बंदों को कैसे फिनिश करता हूँ। वन बाय वन छिल पिल की गोली लो और आराम से बंदों को कैसे मारते हैं। दोस्तों अगर तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और गिव अ बिग थम्स अप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करें। तो गाइस सीन देखें, आगे पीछे फायरिंग वगैरह हो गई है, शायद वो पाकिस्तानी बंदे खुल गए या वो इधर आए ही नहीं। मैं उनको फ्रेंकली स्पीकिंग उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ना आपको पता है कि उन्होंने चैलेंज कर दिया था। मैंने ऑल पे करके उनसे पहले बड़े तहजीब से बात की, लेकिन क्योंकि इंटरनल स्टोरेज होती है, मतलब इंटरनल वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती यहाँ पे ना, तो इस वजह से ना वो क्या रिकॉर्डिंग नहीं होती मेरी आवाज़। लेकिन मैं बड़े प्यार से बात की, लेकिन आ जा भाई आ जा, मैं आ गया हूँ यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बंदे हैं वो आगे पीछे दाएं बाएं सब फैले होते हैं, रैंक पुशर्स होते हैं, क्योंकि नया सीज़न है आप लोगों को पता ही होता है कोई कहाँ होता है कोई कहाँ होता है। तो मैं ना थोड़ा स्पॉट करने की कोशिश करूँ, मेरे बहुत करीब से ना हियरिंग आ रही है मुझे बंदे की, तो बंदा किधर है समझ नहीं आती। यहाँ पर बंदा आया है बड़े तरीके से, 0 HP कर दिया भाई इसने, तो मुझे तो फुल टाइम लॉबी भी पहुँचाने के चक्करों में था। तो मैं वहाँ सामने से समझ आता है, लेकिन यहाँ से आता है इसको मेरा पता होता है, क्योंकि मैं ऊपर DP लेके ना नीचे उतरा होता हूँ। तो भाई बड़े तरीके से इसको लूटेंगे, लूटने के बाद फूटेंगे, और फूटने के बाद आगे देखें क्या होता है, हील शील करेंगे, और बहुत एक दिमाग वाली गेम खेलूँगा। बेसिकली सीन ये है कि आपको पता है कि जब चैलेंज लग जाए तो बंदे को फूंक फूंक के कदम रखा था। मैं उसको बोलता हूँ मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड हूँ, कहता देख लेंगे तुझे देखना फिर मुझे। और गैस अनकरीबी मैं अपनी ना वो वीडियोस अपलोड करूँगा जिस पे लिखा होगा कि जॉर्जियो पुल में और नोवो में सर्वाइव कैसे करें, क्योंकि बेसिकली मेरी काफ़ी वीडियोस हैं मेरे पास, जैसे मेरे 8 किले 10 किले मैं नोवो से सर्वाइव करता हूँ। तो आगे आगे कैंपर्स, वो तो एक भाग गया ना वो सामने बाइक लेके नोवो से, और जॉर्जियो पुल से सर्वाइव करके निकलता हूँ तो आगे किसी कैंपर से मरता हूँ। लेकिन उसमें आपको ये सीखने को लाजम मिल जाएगा कि आप लोग सर्वाइव कैसे करते हैं नोवो जॉर्जियो पुल के अंदर। बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं TPP लेके चिल हो के रिलैक्स होके ना। तो मैं यहाँ पे निकल पड़ता हूँ आगे बंदों को स्पॉट करने के लिए। थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखते हैं बंदे किधर हैं, ताकि पता चले उनकी लोकेशन कितनी है कहाँ पे। ये मैं कूदियाँ क्यों मार रहा हूँ, तो कि जल्दी जल्दी पहुँचा जाए वो बंदों को, हाइपर टेंशन के अंदर बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना सीज़न गाइस कैसा जा रहा है सब लोगों का, अपना तो मस्त जा रहा है यार, टाइम पास हो रहा है, फ्रेंड्स वगैरह के साथ लगे हुए हैं। सामने बंदे स्पॉट कर लिए मैंने, तो गाइस देखें इनको कैसे खोलते हैं वन बाय वन। एंजॉय द गेम प्ले गाइस। मैं ज़रा एंगल वगैरह नहीं, मेरा तो जगह चेंज करके यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे बंदा TPP ले रहा होता बंदे की, इसको तो भाई मस्त वाला करके मारा, इसको पता ही नहीं होता कि मैं पीछे से आ गया हूँ। बड़ा बंदे पेल रहा होता है, काफ़ी कोशिश करता हूँ कि निकले लेकिन नहीं आता। मैं उन्हीं पाकिस्तानी स्क्वाड को ढूंढता हूँ, लेकिन जब मैं वापस जब मैं रिव्यू करता हूँ ना गाइस के वो बंदे पाकिस्तानी स्क्वाड, वो सऊदी वगैरह सब मर गए होते हैं, उतरते ही उनको कोई सऊदी खोल देते हैं, और उनके सऊदी उन सऊदियों को कौन खोलेगा, आपका प्यारा भाई मारखोर। वो उतरते ही मर गए हैं बेचारे, काश वो मुझे एक्सपेक्टेड करते, मैं उनको बहुत ढूंढा था एनी हाउ। लेकिन मैं उनको एक्सपेक्टेड करने की कोशिश करता हूँ कि सॉरी जिन कातिलों ने उनको मारा उनको ढूंढ रहा हूँ कि बंदे किधर हैं। भाई एक तो मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं, लेकिन पहले कोई नहीं कर रहा था, जब गेम में घुसा मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं। फ़ैन फॉलोइंग है भाई की इतनी यार, क्या करें, लव है सब लोग यार। एनी हाउ यहाँ पे वो एक एक ऊपर से उतर रहा है, वो आपने देखा होगा लेफ्ट से ना वो क्या यार वो ये बना होता है टावर टावर टाइप, वहाँ से लेफ्ट से नीचे आ रहा होता है। तो कुछ इन्होंने बंदा मारों को इन पाकिस्तानियों को मारा था जो इन्होंने चैलेंज मुझसे किया होता है। बेचारों की खुशकिस्मती, शायद मेरी बदकिस्मती, मैं बच गया वो बच रहे थे। यहाँ पे बंदे आ चुके हैं, मस्त वाली फाइट आपको देखने के मिलेगी वो नीचे टावर के पीछे कैप। तो मैं एंगल तो चेंज लाजम करें,
अगर तो आपको एनिमी स्पॉट नहीं है ना, तो भागे हो अच्छा खासा मुझे डैमेज दिया उन्होंने, तो मैं जगह चेंज करता हूँ, क्योंकि जगह चेंज में से उनको अगलों को पता है कि उन्होंने मुझे लॉक कर दिया, तो मुझे लाजम मुझ पर पुश करेंगे। लेकिन लॉक करने के बाद जब आप हील करें तो लाजम TPP लेके मारें, और TPP वाले बंदों के सामने ना जाएं, और अगर वो आपके सामने आ गए तो यार इन लोगों ने मारा था उन लोगों को, 89 वाली स्क्वाड थी ना, बड़े सस्ते नशे करके उन लोगों को मारा, वो सस्ते नशे करके आए थे, उन्होंने मुझे मार दिया यार, तकलीफ़ हुई है नहीं, हाँ मेरे हाथों नहीं मारे, पता नहीं लिखी हुई थी शायद उनकी, अच्छा इसके फ्रेंड्स वगैरह हैं। हाँ तो मैं जगह चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पे एकदम से चार बंदे पुश करेंगे तो आपका टर्मिनेटर की वजह थोड़ी होगी सब लोगों को मारोगे बारी बारी मारें। मेरा तो मशवरा ये होता है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ, जब सोच स्क्वाड के होता हूँ एक को चुन चुन के मारता हूँ, देखो सब सामने, गलती थोड़ी सी हो गई थी यार, एक के एम पे स्कोप लगा था मुझे तब चढ़ी थी बहुत ज़्यादा, मुझे पता ही नहीं होता कि एक एम पे 6 का स्कोप लगा हुआ है। एनी हाउ उसका एक और फ्रेंड है तो उसके पीछे है, तो यहाँ पर जगह फिर से चेंज करूँगा मैं, मेन थिंग यू नीड टू डू इज़, ये तो मेरे ख्याल से अपने बॉट भैया थे, इनको तो करेंगे रास्ते में फारग, और उसके बाद सामने वाले बंदों को देखेंगे, पीछे बंदा है बॉट है उनको स्पॉट करने की कोशिश करूँ जिस बंदे के वो AKM की वजह से मिस हो गए। और एक और मशवरा यहाँ पे दूंगा, ताकि गैस अपना सोलो वर्सेस स्क्वाड में जिनको अपनी गेम पे इंप्रूव करनी है ना यार, ये जूस मूस लाजम रखा करें, मिंडा सीट्रस जो उसको समझते हैं, पेप्सी सेप्सी, ये हम लोगों ने शुरू किया हुआ, लेकिन बेसिकली ये जो पेन किलर और जो आपको एनर्जी ड्रिंक है ये बहुत 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 इफेक्ट करती है, डिफाइज और ये चीज़ें तो होती है अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ी सी बचत वगैरह हो जाती है, मैं स्पॉट कर रहा हूँ कि बंदे किधर हैं, मुझे मालूम है कोई मुझ पर पुश करना है, थोड़ा बंदा ना चिल पर रिलैक्स हो जाए, किला आप ही को मिलेंगे, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड होते हैं और देख भाग के करना पड़ता है, सामने से आएंगे सीन देखना पड़ता है आप लोगों का, शक्का लक्का बीबी वाला सीन होएगा, चिल हो के मस्त हो के स्पॉट कर रहा हूँ, या ऊपर से कूदियाँ मारते हैं इधर ही, ये हेयरिंग आ रही है, लेकिन चिल हो के मैं पिंचिन खींचने की उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखा सामने आया। अच्छा यूनी के साथ ही हैं बारी बारी जिन्होंने उन पक्षी स्क्वाड को मारी है, अभी एक और आएगा TPP, टेक अ बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू इज TPP सोलो वर्सेस स्क्वाड, TPP लिए बगैर तो आप माचो नहीं बन सकते, जब वहाँ पे एक नॉक किया था ना मैंने, यहाँ पे दूसरा भी आ गया, उसका प्री फायर देता था कि डरे, यहाँ पे इस तरीके से ये स्क्वाड ख़त्म हो गया जिन्होंने अपने पक्षी स्क्वाड को मारा था, टाइम वेस्ट किए बगैर लूटो और फूट लो, इन्जॉय द गेम प्ले दोस्तों। यहाँ पे ली मैंने बग्गी, बग्गी में आके जीप चेंज करें निकल पड़ेंगे, सामने फिर हुई होती है, बगे जाने में मास्टर हूँ लेकिन इन रियल लाइफ, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ ना गल्फ के अंदर, वहाँ पे मैंने बहुत बगी चलाई है, बर मतलब सखीर, सॉरी सखीर एक एरिया है उसको आप कह सकते हैं गाइस, ये रेगिस्तान टाइप, तो वहाँ पे होती है, बहुत मज़ा आता है। और फनी बात यह है कि मुझे बाइक चलानी बिल्कुल नहीं आती, मेरे कज़न्स वगैरह छोटे छोटे 12-13 साल के, उनके पीछे जब बैठते तो हंसते हैं मेरे को, भाई आपको बाइक चलानी नहीं आती, क्योंकि सीखने का मौका नहीं मिला, गाड़ी वगैरह तो इट्स फाइन, लेकिन बग्गी और जीप मास्टर एन है दोस्तों। यहाँ पे जब रास्ते में जा रहा हो तो यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ होती है, और ये जो आप घर देख रहे हैं ना आपकी राइट साइड में, यहाँ पे मिर्च वाली तबाही, आपका मारखर भाई यहाँ पे लाशें बिछा देगा, लाशें लाशें, सामने बंदे हैं वो स्पॉट हो चुके हैं, वहाँ फायरिंग की आवाज़ आ जाती है, तो इनको मैं पूरा जज करूँ तो कैसे मारूँ, इन पर डील ही कर रहे होते हैं तो पीछे से भाई पाकिस्तानी स्क्वाड आते हैं, अब मुझे यहाँ पर डाउट होता है कि वही पाकिस्तानी बंदे हैं जिनने चैलेंज किया था, या कौन है, मुझे एक्चुअली कन्फ्यूज़ में होता हूँ, लेकिन शायद उनको जॉर्जिया पुल में उनको अरबियों ने मार दिया था, तो मैं ना फुल स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये बंदे होते हैं गायब, पीछे चले आते हैं। अच्छा फिर मैं बोलता हूँ फाइट ना ही ली जाइए, पतली गली सुनी को अच्छी गली सुनी, यहाँ पर बंदा आया था पाकिस्तानी सामने, ये देखिए टैंट टैंट टैंट, इनको भी करेंगे नॉक नॉक फरहान कमर, इसके बाद जो स्क्वाड आएगी भाई आगे पीछे से वो देखने का मज़ा आएगा फुल टाइम, ये नॉक हुआ था, इसके बदले लेने के लिए मुझसे बड़े बंदे आएंगे, अब इनको मैं स्पॉट हो चुका हूँ जो सामने बंदे हैं, गाइस सीन देखना, मैं खुद हेडशॉट नहीं दिखा रहा, Level 3 का बेशक हेलमेट पहना हुआ, लेकिन ना वो देखा बंदा वाला दे रहे हो, ये लेफ्ट से जो बाल बाल निकलता ना यार, ये मेरा रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, Note 9 में ये मुझे जहर लगते हैं, एक्चुअली मैं कहता हूँ कि स्मोक करो, स्मोक करने के बाद यहाँ से निकल पड़ो, इसकी बेहतरी है, क्योंकि मैं ओपन में होता हूँ थोड़ी गलती कर रहा होता हूँ, तो यहाँ से छुप करके वापस जाता हूँ और इन घरों में जाके अपना बसेरा करता हूँ, ये बंदे हैं उन पर पुश करेंगे, होले होले गाइस इनको हम लोग लेंगे, और 0 HP पे एक नहीं 1v6 स्क्वाड और फुल क्लचेस हैं, बारी बारी ढूंढ के मारने का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बंदा आ गया स्पॉट, ये वो वाले बंदे हैं जो जिस पाकिस्तानी को मार रहे हैं, अच्छा कैंपिंग कर रहा था, मुझे इसका भाई पता नहीं होता है, इसको देख नूबड़े को देख कर ले भाई, इसका नाम क्या भाई
जानी मलिक, पता नहीं वो ये नहीं यार, अपने पक से नहीं, प्रा प्रा मतलब भाई, अब पता नहीं वो होते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे सामने वाले बंदे वो आतंक फैला रहे होते, आतंक यानी कि उनको सामने मार चुका हूँ, तो मुझे जाने देने नहीं, कहीं नहीं दे रहे, मस्त वाले किल्स निकालूंगा इधर गाइजा। इस वाली गेम प्ले के लिए लाइक कमेंट शेयर लाजिम करें, क्योंकि आपका माखो ब्रदर आप लोगों के लिए मस्त वाली गेम प्ले लाता रहता है। सपोर्ट योर कम्युनिटी, लेट जस्ट सपोर्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी आगे ग्रो करें। और इंशाल्लाह बाय द वे, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी PMCO में जा रही है। जितने जितने पाकिस्तानी भाई अगर मेरे फ़ैन फॉलोइंग है जो इन वीडियोज़ को देखें, बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, काश मैं भी जा सकता लेकिन यार नहीं जा पा रहा क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं हूँ। लेकिन जो भाई बहनें जो भी कोई गेम प्लेस खेलते हैं पबजी को लेके सीरियस हैं, बेस्ट विशेस टू यू गाइज, यू आई रियली वांट यू गाइज जस्ट रेज योर फ्लैग अप है, आगे बढ़ें और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। और हम सबको चाहिए कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी वगैरह ना सपोर्ट करें। ये ये सामने ही यहाँ स्नाइपर नहीं थी यार तो तकलीफ होती, लेकिन एक देता हूँ मैं इसको। ये देखिए ये गाइज, ये ग्लिच देखिए, वो लेटा हुआ है सामने, मैं इसको मार भी रहा हूँ लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा। लाइक ये मुझे समझ नहीं आती, जब मैं नया नया सैनहॉक से यहाँ पे आया तो मुझे समझ नहीं आता था सीरियसली ये मसला क्या है, लेकिन फिर मैं फ्रेंड्स वगैरह से कम्युनिकेट करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि गाइस ये ग्लिच होता है। इन्हें हाँ दोस्तों यहाँ पे भी राइट में भी आगे बंदे जिनसे वो फड्डा कर रहे हैं और मेरा फड्डा इन दोनों से होना है, थोड़े लड़े मरेंगे लेकिन जब मुझ पर भी पुश करेंगे मुझे, मैं तंग आया था कुछ, कभी कभी ना हारमोन ज़्यादा ऊपर चले जाते, जज्बात होते बंदा कि भाई क्या है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे ना गलती भी थी मेरी कि मैं पुश नहीं करना चाहिए, मैं किल सबको कर दूंगा लेकिन कोशिश यही करें कि आप लोग ना चिलो के मतलब, तो उनका वेट करें आने को, वो लोग मुझसे भी परेशान होते हैं लेकिन वो लोग वहाँ से मेरा ना किल ले लेता है, डैमेज मेरा होता है और वो नॉक वो शायद कर देता बंदा। लेकिन उन बंदे पुश कर रहे हैं वो, ये बात मेरे पे भी पुश करेंगे बारी बारी, इन सब माचों को मैं लूँगा आहिस्ता आहिस्ता। सो हम लोग बात करते हैं PMCO में, गाइस बेस्ट ऑफ लक यार, आप लोग इतने भी हैं सपोर्ट करें और जाएं आगे, और मैं चाहता हूँ कि यार कि हमारी कम्युनिटी आगे जाए गेमिंग के। बाय द वे वो एक वो ना अपना जीता था जो जो टेकन गेम के अंदर जीता था पाकिस्तानी प्लेयर, उसको तो भाई अप्रिशिएट करता हूँ, दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ कि असलान नाम था आई थिंक सो ना, वेरी वेल प्लेड यार, वेरी वेल प्लेड, सल्यूट है भाई आपको। भाई चाइनों को धूल चटा के आया, चीनियों को आम बात थोड़ी होती है भाई, इतनी इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में बैठ के वो पेल रहा है सब लोगों को, प्राउड ऑफ हम यार, अप्रिशिएट करता हूँ। और जो PMCO में जाएंगे उम्मीद करता हूँ कि यार जाएँ और कोई ऐसा काम ना करें कि पाकिस्तान का नाम नीचे जाए, ऊपर करें अपने आप को ना। दोस्तों यहाँ पे आ गया हूँ मैं तो बंदों को स्पॉट, गड्डी का टायर तो उन्होंने मेरे तोड़ दिया था, जीप के सॉरी टाशा फोड़ दिया था, तो यहाँ पर आके मैं तो मैं राइट वालों को देखता हूँ निकलने का फ़ायदा नहीं, तो ये बंदे जिनके उन्होंने फटला गया टैप टैप करके देखता हूँ बारी बारी, ठीक है स्कोप पर स्नाइपर नहीं होती तो रेड जोन ने अपनी जान अलग खाई होती है, मैं तो भाई नहीं गाइस बहुत दफ़ा मेरे साथ सोलो में, तो बहुत दफ़ा होता सोलो वर्सेस सोलो में, जब मैं रैंक पुश करता था ना मैं कॉन्करर पे, तो ऊपर से मेरे बहुत ये रेड वाला रेड जोन मेरे पर गिरती थी, मैं घर के अंदर आके स्प्रे देता हूँ क्योंकि एक बंदा तो नॉक हो जाए यार। वो दोनों स्क्वाड है मुझसे बहुत तंग है, जो लेफ्ट वाली भी और ये वाली भी, कि ये बोलते ये बंदा कौन है जो अकेले कर रहा है, सब स्क्वाड समझते हैं लेकिन मुझ पर पुश करेंगे और भाई को हल्के से ले लेंगे। डोंट टेक मी लो ब्रो, आपको मस्त वाला दूंगा कनपट्टी के अंदर, टेंट 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 थोड़ा स्टॉप भी करना चाहिए, थोड़ा ना चिल होके खेलना चाहिए। अभी मुझे मालूम है कि पुश कर रहे हैं, मुझ पर पुश करने वाले हैं क्योंकि पंगे तो मैंने बहुत गंदे वाले लिए, दो स्क्वाडों से ले लिए हुए हैं, एक नॉक में किल चोरी करने की कोशिश करता हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ, एक और को नॉक करूँगा डैमेज होते हैं। आ जा भाई आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, नहीं यार ये नल्ले मुझसे नहीं गए, वापस में उधर ही लड़े, दो नॉक कर दिए मैंने यहाँ मस्त वाले। अच्छा मैं यहाँ पे नॉक करने के बाद पुश करता हूँ, जज्बाती हूँ ना भाई क्या करें जज्बाती नहीं, ये थोड़ी सेंसिबल गेम थी कर सकता, लेकिन गाड़ी नहीं थी क्योंकि गाड़ी के टायर उन्होंने फाड़ दिए होते। अच्छा यहाँ पर जब मैं पुश करने लगता हूँ लेफ्ट वाले मेरे पे पुश कर देते हैं, कौन से वाले जिनसे सबसे पहले पंगा लिया होता है, अब वो राइट वाले भी बच जाएंगे और लेफ्ट, मैं मतलब पतली गली से निकलने भैया ना लाइट देख लेफ्ट देख फिर वापस जा, और यहाँ पे गाइस मुझे 0-0 HP करेंगे वो लोग, सीन देखने वाले। भागता हूँ मैं, अब उन लोगों ने लेफ्ट उन्होंने मुझ पर पुश कर दिया, सेंसिबल गेम होनी चाहिए, TPP वाली गेम होनी चाहिए, जज्बाती होनी चाहिए। देखो इसको देखना भाई, लेफ्ट वाले बंदे आ रहे हैं और प्रो प्लेयर्स हैं, आपको पता है कि जब लॉबी आए तगड़ी जो रैंक पुशर्स की होती है स्टार्टिंग में नूबड़े वगैरह नहीं होते, और ख़ासकर जब यो आई थिंक ये एशिया सर्वर, एशिया हाँ एशिया सर्वर ही है यार, इंडोनेशियन और ये पाकिस्तानी वगैरह इसमें ही आते हैं, इसको तो किया ना इंडोनेशिया को, भाई बहुत ख़तरनाक पिंग होते हैं इनको।
अच्छा मैं फुल करने की कोशिश करता हूँ कि फुल ले लूँ, लेकिन ना उसके जो साथी साहब है ना वो फुल टाइम कवर दे रहे होते हैं, नेट हेड करा दो पक्का, टाइम नहीं मिलता। नेट तो पूरे तरीके से ना कुक करके फेंका करो, ये नहीं कि अपने हाथ में। अच्छा दूसरा क्यों डालता हूँ, क्योंकि अगर एक से बजे तो दूसरे से फिनिश हो जाए, लेकिन मैं जगह चेंज करता हूँ, जगह एज अ मेस से ऊपर से एक्सटेंड नहीं मिली होती है, बहुत तप चढ़ती है मेरे को। मैं जॉर्जिया पुल में कोशिश करता हूँ कि मुझे एक्सटेंड मिले। यहाँ पे गाइस देखना आपकी बाइक की HP देखना और फाइट देखना, ये सीन देखें वो रिवाइव हो गया सीन क्या, वो अलग अलग फाइट हो सकता है यहाँ, इसको देख ये सीन देखा सीरियसली यहाँ, यहाँ देख इसको भी नॉक किया, ये पहले से नॉक था वो अलग सॉर्ट का समझ रहे थे, बिल्कुल 0 HP, 3 नॉक किए ना मैंने, किल्स देखना मुझे कितने में, बहुत तकलीफ हो। 0 HP पे निकल के भागा हूँ मैं भाई, 0 HP पे बंदे ही बंदे। अच्छा वो वाली स्क्वाड ने पुश कर दिया, वो जो राइट वाली स्क्वाड थी, सही सीन है ना इसको कहते हैं अपना काम बनता, बैन किया ने किले भाई, कंफर्म करूँ मैं। अच्छा गाइस वो एक बंदा एक और नॉक किया हुआ था, बहुत वो किल मुफ्ते का निकल गया। अच्छा ये हो गया सीन ख़त्म, ये सॉरी स्क्वाड ने पुश कर दिया, तो ये वही स्क्वाड थी, ये तो खत्म, इंडोनेशिया स्क्वाड ख़त्म होगी। अब वो जो स्क्वाड है जो राइट में जिनके पहले मैंने 2 नॉक किए थे, अब वो स्क्वाड मुझ पर पुश करेगी। मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई, लाइक ठोको कमेंट करो, गला बैठ गया भाई, पानी पीना पड़ेगा अभी स्मोक तो मस्त है, माचो बनने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने भी स्मोक वगैरह रखी हुई है, वो मुझ पर पुश कर रहे हैं, तो मैं ना वो राइट से आ गया बंदा, सीन देखना इसको किया फिनिश इंडोनेशिया भाई, मस्त वाले सिस्टम। इसको देख, बिल्कुल ही नूब बड़ा था कोई, एक्चुअली कभी कभी नूब भी आ जाते हैं बीच में, एक अदर प्रो होते हैं बीच में, नूब शूब भी आ जाते हैं। उसको पता नहीं किसको देख रहा था, उसके साथ ही बहुत टाइट था इधर, सही साथ ही दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं, ये कह रहे होते मुझे बचा पहले मुझे बचा मैं दोस्तों के नाम नहीं लूँगा यार, सही सीन हो जाता हंसी वाला मुझे बचा भाई उसको छोड़ मुझे बचा, मुझे टांगों में घुस रहे होते हैं, सही तप चढ़ी होती है मुझे उस वक्त, बस क्या करें फ्रेंड्स है यार। एनी दोस्तों यहाँ यहाँ पे ना जिनको फिनिश किया ना उनके स्क्वाड टीममेट्स यहाँ पे रहते हैं, ये देख ये आया उसको, अच्छा उसको पता भी होता है, और तो सीधा गंदी वाली स्प्रे देते हैं। यहाँ पे टिप गाइस ये है कि आपको पता है क्या, मैं उसको लो कर दिया ना, गो विद द फ्लो, लाइक जस्ट पुश डोंट वेट। अभी आपको मैं मुझे मालूम कि मैं उसको कर दिया है लो, वो माचो इंडोनेशी लगा रहा है, वो क्या कहते हैं उसको हीलिंग करता है, तो मैं उसे पुश कर देता हूँ। कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं उनको हील शील लगाने का, ऐसे आपका अपना ख़राब होगा, ये भी नॉक ही होता है। ये यहाँ पे रह जाता है एक बंदा, अब इस बंदे को लेके मैं डर भी रहा होता हूँ, अब मुझे नहीं मालूम कि वो बंदा किधर होता है। वन बाय वन नहीं, 3 स्क्वाडें ख़त्म हो चुकी हैं आई थिंक सो, हाँ तीसरी शायद ख़त्म हुई है, मतलब चौथी। तो यहाँ पे ना एक बंदा है और मुझे वो नहीं मालूम किधर है, लेकिन हेयरिंग शेयरिंग आई थी ना, तो मैं ना बंदे को जज करने की कोशिश कर रहा था। गाइस टू बी फ्रैंक विथ यू, मैं बिल्कुल फेयर प्ले खेलता हूँ, और यार ये लोकेशन वगैरह मेरे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम कभी लोकेशन हैक लगा के ऊपर जाए, कूदे खुदिया मारो ताकि बंदा स्पॉट हो, पर 30-40 किल मारना वो भाई अपने बस की बात नहीं है, वो अल्लाह ताला कोई ऐसे चमत्कार ही होगा शायद, इस दिन 30 सोलो वर्सेस 40 में किल करूँगा, उस दिन मैं लुडियाँ डालूंगा 30-40 किल करके 16 वर्सेस स्क्वाड के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे मेरे सर मेरे फ्रेंड्स भी हैं मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप ऐसे क्यों नहीं कर पाते। बट गाइस ऐसा करना इट इज़ नॉट ईजी एज इट लुक्स गाइज, इट्स वेरी हार्ड बेसिकली, लोकेशन हैक होती है उन लोगों के पास। मैं यहाँ पे बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदा किधर गया ना, वो कहीं पर लेट लूट गया हुआ है, छोटी सी गलती मुझे लॉबी में मिल जाए, क्योंकि इतनी मेहनत की क्या किल्स निकाले हैं गाइज मैंने ना, तो मैं कोशिश करता हूँ शायद इसके अंदर नेट है कोई कूदे वूदे भुगते, वो बंदा देखना होगा किधर ना, और अक्सर औकात गाइज मेरे साथ ऐसे ही होता है, कितने मैंने किल्स किए होते हैं, 15-20 किल किए होते हैं, 15-18 किल किए होते हैं या 16 किल्स किए होते हैं, और मैं जब निकलता हूँ ना आगे से तो मुझ पर ना वो नूबड़े कैंपर्स मारते हैं, डराता हूँ गाइस, मेरी भी सबर का पैमाना ख़त्म हो चुका है, तो मैं स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था बंदा किधर, लेकिन बंदा सब नज़र नहीं आते, तो अब देखना होगा किधर। हाँ लेकिन अभी इस वो कहाँ था देखना, गेस करो गेस करो, अगर गेस कर ले तो कमेंट लाजिम करिएगा आप सब लोग ना। तो गैस यहाँ पर टा टा आई सी यू आई सी यू आई सी यू एनी हाउ दोस्तों स्क्वाड भी हो गया फिनिश, और इसके बाद निकल पड़ेंगे आगे, इन्जॉय द गेम प्ले दोस्तों। और फैमिली टाइम आ चुका है लूट के फूटने का, तो पीछे वाला टायर होता है पंचर, मैं बोलता हूँ भाई निकलो ना, आओ देखो ना दाग घुस जाओ अंदर, क्योंकि सर्कल में जाना होता है, सर्कल बहुत छोटा हो रहा गया होता है, सर्कल भाई पीछे से आने वाला है, काट रहा होता है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मस्त वाली गेम प्ले बहुत अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, माको फैमिली को सपोर्ट करें, माको को सपोर्ट करें, जस्ट ग्रो अवर फैमिली गाइस। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे सीन देखना, लोग वन व्हील ड्राइव सुनी होगी, टू सॉरी टू व्हील ड्राइव देखी होगी, यहाँ पे मैं वन व्हील ड्राइव करूँगा। एक्चुअली सीन देखा, ये देखे, ओहो पीछे वाला टायर पंचर है और मस्त वाली ड्राइव, एक एक टायर आगे वाला बस काफ़ी था। एने दोस्तों यहाँ पे सीन ये होगा कि इंडोनेशियन जो होते हैं, आप लोगों को पता नहीं कि पिंग्स बहुत सपोर्टिव होते हैं गाइस, हम लोगों के पिंग्स बिल्कुल नल्ले नल्ले होते हैं, काश हम लोगों के भी पिंग्स अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आगे पीछे भी बंदे हैं, लेफ्ट में बंदे, राइट में बंदे हैं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैं यहाँ पे रुका तो यहाँ पर तो मरूंगा मरूंगा, मैं अंदर घुस जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे गंदा वाला सीन मेरे साथ होगा, बस डिसहार्ट में होता हूँ, लेकिन फिर भी गेम प्ले बहुत अच्छी होती है, मैं करता हूँ आप लोगों से शेयर कर दूँ। है दोस्तों भाई को सपोर्ट करें और कमेंट करें, शेयर करें, मैं आप लोगों के पास अच्छी गेम प्ले लाता रहता हूँ और ऐसे और भी लाता रहूँगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हाउ टू सर्वाइव इन जोर्जोपोल और नोवो के अंदर कैसे मस्त वाले काफ़ी अच्छी गेम प्लेज मेरे पास हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो ये गाइस बस अपना करेट बन गया, बुरा लगता है मुझे एंड में जब मैं गेम प्लेज देखता हूँ, क्योंकि शायद मेरी गलती भी है या उनके पिंग्स बहुत फास्ट हैं, शायद मैंने गन्स वगैरह लोड नहीं की, यहाँ पर ना फोटो वगैरह से एंगल नहीं बन पाता, तकलीफ़ होती है, तो मैं रिस्क लेता हूँ बाहर आने का और रिस्क मेरे को ले बैठता है। अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस सून, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।